कहता भी मैं 6.5 फुट का मेरे ना कल ना टक्कर जे हाँ मैं अनफिट होऊंगा एज ए बॉडी वो ठीक है मैं 1 फुट घट होऊंगा पर मेरे से जो जज्बा ना बई मेरे च ललकारन का जज्बा है किसी ने तेन कहा नहीं मैं तेन कहा 100 किलोमीटर आके मैसेज कर दी जे ना आईए असी पंजाबी नहीं तू इन्नी गल कहना भी ना मर्द तू ते तो सोच भी नहीं होना भी तेरे नाल की कर सकते ने पंजाबी पंजाबियों ने उन्हें नपुंसक कहा उन्हें कहा भी तुसी शक्के हो जिन्निया दी भी उहदियां लड़ाइयां होईयां अज तक सिक्कां नाले होईयां ये क्यों कदों कोई लहरां चलियां सी ना बई जी उदों किसे सरदार मुंडे ने उन्होंने सिरों मुन्या ने अपनियां शहादतां दित्तियां अपनियां कुरबानियां दित्तियां हुण ए लैवल दे कौन अपने कैमरा देख के जज कर सकदा है भी विशाल कपूर च इंसानियत घट है जां हनी च वध है मेरे हिसाब नाल भी वो एक तरह का एजेंट बनया होया सीगा भी वो बंदे दी मेरे कोल पैसे मंगदियां रिकॉर्डिंगां ने भाजी तेरा कोई रोल नहीं जिद्दण दा तू पंजाब च आया तू कलेश ही पाए ने मिंटू मालवा वीरा ठीक है मनुखता वाला देव करौड़ वीरा अनमोल वीरा जे अज वीडियो पा के इन्नी गल कहण मैं पंजाब छड्ड के चलिया भाई असीं उहदे पैर फड़ लांगे क्यों उहनां दी देण है जे गुरु साहब ने पता नहीं बई कदों कहा नहीं किया नियंग सिंह खांदे ने छकदे ने डले छकदे ने पर वो अपनी संगत च बह के एक विधि हुंदी है एक उन्हों तैयार करन दा रवाज हुंदा किदां उह करदे ने बाणी पढ़दे ने उत्थे किने मच्छी बणाउण नूं बाणी पढ़ी होणी बिल्कुल भी तालुकात नहीं सीगे वो हाते ते बैठा सी भाजी दूजी वह गल कह रहा सी आले दुआले दारू है तू चीज़ तां देख भी की कर रहे हैं हरेक चीज़ ते तू कटाक्ष कर रहे हैं वो 40 बंदे उन्होंने टैगल कर रहे वो कला किदा मैं शस्त्र कट लूंगा मैं ठोक दूंगा आप तेरी दाढ़ी काली करी हुई है मैं जा एक मच्छी होर ले पता सीगा उन्होंने भी भड़क गए हूँ मैं गल्ला अपने औकात तो बहर जिन्होंने कहें मैं लैवल तो बहर गल्ला कर बैठे तो उन्होंने पता सी पंजाब तो बचे ये मुंडे नू चैलेंज कर रहे गुरसिख सी मुंडा पूरा घेंट अबे तू कुछ नहीं उन्हों परसों मैसेज करता पाया मेरे मैसेंजर च सारी चैट पई आ उहदी जिम च स्पैशल गया इन्ना बेवकूफ दिमाग दा जाके उन्हें पंजा लाया फिर हार गया किन्ना तुसी मेरा बेटा 6 साल का उन्होंने मैं अज हिंदू सिख कर लग गया ना उहदा दिमाग ही उत्ते रह जाना उहदा दिमाग ही उत्ते रह जाना भी भाई यह जी चौधर अपने घरे चला जिहड़ी तेरी चौधर दे नाल 10 घर फुक जाने है ना असीं फुकने नहीं असीं घर बना के किसी का प्रोजैक्ट बना के उहदे ते लोगो लाउणा लुधियाना लाइव देखने वाले तमाम दर्शकों का स्वागत है मैं विशाल कपूर गल की जाऊगी हनी सेठी जो दराहे तो है वह नौजवान जिहदी उम्र बेशक घट है लेकिन पंजाब के मुद्दों उत्ते सरगर्म रहिंदा वै वह नौजवान जिहड़ा नशे छुड़ाने वास्ते मुंडियां लिए एक पहल भी करता है वह नौजवान जो सिक्खी नूं बचाने वास्ते ते पंजाब दी विरासत नूं बचाने वास्ते लगातार उपराले करता है ते डिबेट भी करता वै वह नौजवान जिहड़ा नौजवान अज पंजाब दे विच दराहे शहर दे कोल पायल दे कोल उहदा दफ्तर है पायल रहिंदे ने लेकिन उस तो बाद वह नौजवान एक तुहानूं सब नूं पता है कि विक्की थॉमस नाम के शख्स ने जो मच्छी का सेवन करना सी उस तो बाद यह नौजवान के नाल लाइव गलबात हुई गलबात भी करते हैं हनी पहले तो स्वागत है लुधियाना लाइव विच सत श्री अकाल भी थोड़ी सारी टीम बहुत स्वागत साडे शहर आया दा विशाल कपूर जी दा खास करके हनी एक तो पहले दुख लगा कि एक बड़ा पेज नू हाइक करन से बड़ा समा लगता वै एक छोटी जी डिबेट या छोटा जिहा लाइव तुहाडे पूरे 2.5 लाख सबसक्राइबर नू इदां लै गया जिदा कहा जा सकदा कि हनी सेठी का कोई पेज ही नहीं सीगा बई जी बिल्कुल शो ही नहीं करता उहदे ते मैं उहदे नाल गलबात मेरी हुई इस तरीके नाल भी मैं चाह सी भी आपां किसे तों दबदे दुबदे नहीं मैनू सब तो माड़ी गल लगी असीं उदण ही जिम बैठे दीगे ते उहने ना वर्ड विच यूज़ किया साडा उह सरदार नाल कोई लिंक नहीं जिहदे नाल उह लड़िया बैंसिया किसान अंदोलन वाला सानूं नहीं पता भाजी उह कौण आ सानूं इह पता भी उहने उत्थे इहनूं सिख कौम नूं ललकारिया पंजाबियों नूं उहने नपुंसक कहा उहने कहा भी तुसीं छक्के हो मैं जा रहा एक बंदा ना यूज़ करके जदों कितों भजदा है वह नाले जा रहा अपनी गड्डी च नाले वीडियो बना रहा नाले ललकार रहा तो जिवें पहला अपने बाकी मुद्दे रहे ने किसान अंदोलन ते ला लो नशियां ते ला लो जां कोई किसे नाल निहत्या नजायज़ हुंदी है कुड़ी नूं छड्ड के बाहर चले गए अलग अलग टाइम ते तुसीं साडे वड्डे भरा हो असीं तुहानूं देखदे हां वी किद्दां करना तुहाडे पिछे तुरन की कोशिश करदे हां पर इन्हां कोल इन्हां मेरे रात तक फोन आउंदे रहे मेरे को हुण भी रिकॉर्डिंग आ वैसे मैं किसी की रिकॉर्डिंग करदा नहीं मैनूं पता भी मैनूं उहदी भाषा नहीं समझ आ रही सीगी ठीक है तो तुसीं मन्नोगे अपना पंजाब दे किसे भी हलके चों
ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਉਹ ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਜੰਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਏਜੰਟ ਬਣਿਆ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਜੰਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅੱਜ ਭਾਜੀ ਏਜੰਟ ਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਐਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੈਗਲ ਕਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲੇ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੁੱਦਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡੇ ਖੋਡੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿਓਗੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਬਾਈ ਜੀ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਦਾਰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰੋਂ ਮੋਨਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੌਣ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਪੂਰ 'ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਹਨੀ 'ਚ ਵੱਧ ਹੈ ਇਹ ਦਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜੱਜ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਿਰਤ ਹੋਊਗੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਦੂਜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਦੇਖੋ ਮਿੰਟੂ ਵੀਰਾ ਮੇਰੀ ਅਨਮੋਲ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਿੰਟੂ ਮਾਲਵਾ ਵੀਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਵ ਕਰੋੜ ਵੀਰਾ ਅਨਮੋਲ ਵੀਰਾ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਾ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਨਾ ਜਾਇਓ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਇਆ ਤੂੰ ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਪਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਜੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਠੀਕ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੱਢਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ 200 500 ਪਾਓ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਫੇਮ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਪਵਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਹਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਸਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਭੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪਿਰੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇੰਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕਿਆ ਅਤੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖੀ ਕੰਘਾ ਰੱਖਿਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪੂਰਾ ਬਣਿਆ ਨਿਹੰਗ ਸਿੱਖ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਿਆ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹਾਤੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਭਾਅ ਜੀ ਹਾਤੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚੋਂ ਮੰਨ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਤਿੰਨ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਤੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੌਣ ਬਾਈ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਮੱਛੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਲਾ ਝਟਕੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਛੱਕਦੇ ਨੇ ਡਲੇ ਛੱਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਆਪਸ 'ਚ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਦੂਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾਰੂ ਹੈ ਤੂੰ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਦੇਖ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਤੂੰ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇਖੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਡੈੱਡ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜਗਾਵੇ ਡੈੱਡ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦੇਵੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂ ਮੈਂ ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲੇ ਆ ਜਾਂ ਜਾਂ ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਹਜੇ ਨਾ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਤਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਜੇ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਚਲੋ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਅ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਚੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੰਬਰ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਲਵਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਈਏ ਪਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਅ ਜੀ ਜਦ ਹੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹਾਈਲਾਈਟ ਚੱਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੇ 33 ਤਵੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਆਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ SGPC ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤਕਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ SGPC ਦੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ 3-4 ਜਾਣੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੂੰਗਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ
मैं ठोक दूंगा आप तेरी दाढ़ी काली करी हुई है मैं जा एक मच्छी होर लेके ये कोई गल करन दा सहजे दा सलीके दा तरीका कोई ठीक है तैनू गुरु ने नहीं सी उस वेले क्योंकि नम्रता एक सिख भाई नू मिलन आया सीगा सब नू वड्डी गल एक पंजाबी पंजाबी नू मिलन आया सीगा कि तू भाई ऐ कर दंदा मेरी गलती है मैं भी बहुत जगह ते गलत होऊंगा मैं कोई दुद्ध तोता नहीं हैगा भाई मैं भी बहुत जगह कोई दुद्ध तोता भाई कोई वीडियो देखदा होगा उनू अंदर ता पता हो मैं कुछ गाया मैं बहुत जिंदगी च गलती कीती मैं पहला भी तुहानू दस्सिया मैं एडिक्टर रहा मैं शरेआम कहना पर गल अज दी है वीरे मैं अज सोसाइटी च की दे रहा हूँ जेड़ा इन्होंने मेरा पेज 2.5 लाख वाला अड़ाया मैनू उहदे दो फैक्ट पए ने बई मैनू उत्थों 40-50 हज़ार रुपया आउंदा सी इंडिया का पहला पेज है थोड़ी भी जिंदगी भाजी 17-18 साल ये चीज़ा च होगी कोई भी पेज का विशाल जी थले टैग चला दो भी आह पेज है सिटी तू कला नहीं भी अपनी कमाई दिखाता मैं भाजी दिखाता सी क्योंकि मैंने लगता सी भी मैं फेसबुक की बहुत तगड़ी देन है मेरा व्यापार पिंड चो निकल के दुनिया के कोने कोने तक गया लेकिन हनी मैं तुहानू एक गल कह दूं इत्थे वो सोचते थे वाहेगुरु बैठा ना उत्ते हाँ। माँ बगला मुखी बैठी वाहेगुरु बैठा परमात्मा बैठा सब वड्डी गल एक पेज उड़ान दे नाल ना वो अपनी कायरता दिखाई होगी जिन्हें भी उड़ाया होगा वो कायरता दिखाई होगी वो हनी के जज्बे नूं नहीं डाउन कर सकता क्योंकि हनी के नाल जिहड़े लोग खड़े है ना वो दोबारा पेज नूं सबसक्राइब भी करेंगे तो फॉलो भी करेंगे क्योंकि हनी का एक मनोबल ही टुटन देंगे क्योंकि हनी उस मुद्दियां दे लड़ाई लड़ता है पंजाब दे जिहड़े पंजाब दी विरासत नाल जुड़े ने वो कहंदा सीगा भी मैं 6.5 फुट दा मेरे नाल कल्ले नाल टक्कर जे हाँ मैं अनफिट होऊंगा एज ए बॉडी उहदे लई ठीक है मैं 1 फुट घट होऊंगा पर मेरे च जो जज्बा ना बई मेरे च ललकारन दा जज्बा है किसी ने तैनू कहा नहीं मैं तैनू कहा 100 किलोमीटर ते आके मैसेज कर दी जे ना आईए असीं पंजाबी नहीं तू बिल्कुल भी नहीं आना ही नहीं उहने कित्थों आना सीगा मैं हुण भी कहना हुण फोन ला लैना भी आ जा महाराष्ट्र दुबारा हाँ कह रहे मैं तू केरला दा कहना मेरी गलती दसो कि मैं तेरी गलती इतने भी तू केरला दा एक केरला दा मुंडा इदा आके हाईलाइट हो रहा या गलत सानू कह रहा है मैं पूरे केरला नू गाल नहीं कढ़ सकता मैं पूरे केरला नू नपुंसक नहीं कह सकता मैं पूरे केरला नू कायर नहीं कह सकता मैं तैनू बाय नेम विक्की थॉमस कह के डोकांगा समझदा मेरी गल नू तू इन्नी गल कहना भी ना मर्द तू ते तो सोच भी नहीं होना भी तेरे नाल की कर सकते ने पंजाबी ठीक है जे असी हत्थां दे चढ़ाउणा जाणदे तैनू लाउणा भी जाणदे आ कि विक्की थॉमस नूं आ नहीं पता जो पाकिस्तान तो कदी भी हमला होवे तां सभ तों पहले पंजाबी दी शहादत हो जांदी है पंजाबी च ईद हो जांदे ने कि इह केरल तुहाडे कहण दे मतलब केरल तों आया बंदा कि हाईलाइट हो गया ते पूरे वर्ल्ड दे विच मैं कह रहा कि इह कोई फंडिंग दा जरिया तां नहीं सी हां जिवें मैं इह गल कहना चाहुंदा मैनूं वी भाजी बाहरों फोन आउंदे ने थानू मैं साफ दसदा मैं दिल च कोई गल नहीं रखता मेरे लिए वो बाद च रिस्क बने जो कुछ मर्जी होवे भाई जी इदा करना कई बंदे मैं अपने दिमाग के हिसाब न चलाने फिर देते हैं पर नहीं असी चज के बंद को बहने थोड़े वर्गे बंद गाइड करी सॉरी गाइड लई दी है भाई जी मैं ऐ कह रहा तुम कहने तो परे हो जा तेरे लिए माड़ा एक हिंदू सिख का 9 मास का जोड़ा रिश्ता ना देखो मैं ना मंदिर जाने लग गया मेरे दमाला बनया हो मैं मंदिर जाने लग गया मेरे कुछ भाईचारे के लोग ये कह लग गए लग गया लालिया थले हुण जय श्री विराम भी कहीं मैं कहा फोन ला ठोक के कहांगा आ चलदी वीडियो च कहना जय श्री राम जे तुसी सच्ची गल कहने हो तुसी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फिर ज्यादातर वीडियोस जो पंजाब च आंदियां ने ओ आ लफ्ज़ शुरू होके आंदे अनमोल एक हिंदू कम्यूनिटी नाल बिलोंग करदा ठीक है मेरे उहदे वकरेवे पैसे वाले होणगे नहीं होणगे पर ओ सत श्री अकाल वाहिगुरू जी का खालसा कह के यूज़ नहीं करता अच्छा जे हनी जय श्री राम कह के शुरू कर दे कन्ना माड़ा लगना लग गया लालियां थले हनी वीर मैं इत्थे इक गल कहूंगा मैं हर धर्म नूं मंदा वा मैं मेरी मेरी मैरिज जिहड़ी है मुस्लिम फैमिली दे विच होई है मैं वैसे अपनी गल कर लांगा मुस्लिम फैमिली दे विच मेरी मैरिज होई है मैं आ नहीं देखिया सी ओह मुस्लिम फैमिली है मेरी देखो मेरे नाल उहदे तालमेल होए मेरा परिवार बणिया मेरा परिवार भी अग्गे किन्ना खुश हैगा ओह सच्चे पातशाह ते ओह मामा ही जाणदी आ लेकिन एक गल च आ गई कि मैनूं मेरे मां प्यो ने आ नहीं किहा सीगा जिन्ने दुमाला बणिया होवे ओहदे कोल नहीं जाणा जिन्ने रोडा कोडा होवे ओहदे नाल तूं मिलणा नहीं गा मैं रोडा कोडा अगर जिहड़ा ईसाई हैगा ओहनां नाल तूं धर्म पुछणा ओहनां नहीं बहना रोटी खाण वेले तां देखदे नहीं गए जो खून की घाट हो जाती है उदों देखदे नहीं गए किने बनाया होना पता नहीं आपां खाना स्वाद लैके नहीं इंजॉय करना घरे जाना जदों ब्लड की लोड़ होनी है महाराज 29 साल की उम्र है घट्टो घट 10 कैंप असी लवाते हैं पता जिदा फोन आ जाए देख के नहीं रहा जाता भाजी असी भी बंदे हैं पर दिमाग ही उत्ते रह जाना ओनू रोकना केड़ियां चीजां तों चाहीदा ओनू गालां तों रोकना चाहीदा ओनू रोकना चाहीदा बुरी संगत तों रोकना चाहीदा ओनू रोकना की चाहीदा अपने चिट्टे वालियां तों रोकना चाहीदा भी किद्दां एक आपां कैंप सर्वे
जिहड़े बंदे वधिया बोल सकते ने उन्हां नूं आपां टूरनामेंटां दे बुलाईए, उन्हां नूं एक पॉडकास्ट जिवें अनमोल करदा जां कोई वी उहदा नाम छेती तां आंदा मेरे नेड़े आंदा साडे जिले दा ही है ना, ते पॉडकास्ट चला के उन्हां दे दिमाग च गल पाई जाईए वी मामा ने तुहानूं इस लई नहीं जम्मिया, आ कतल केस होया सी सेंटर दा, लोकी कह रहे सी तूं अपना सेंटर, मैं भावना च कहा मेरा सेंटर, पर जे मैं सियाणा हुंदा उत्थों 21,000 रुपए प्रमोशन लैंदा ते अपने हरेक महीने पैसे लैंदा ते बाहर, पर नहीं मैं आप अडिक्टड रहा 5 साल मैं नशा छड्डिया, ठीक है मेरे घर दे उह चीज़ नूं फील करदे रहे आ, मेरा भरा मेरियां लत्तां बांधदा रहा, मेरे यार दोस्त मैनूं दवाइयां लै के दिंदे रहे ने, मैं उह चीज़ छड्ड के अंदर ताड़े हुए बंदिआं नूं कुट सकदा कदी भी? कदी भी नहीं हो सकदा। मैं अज भी यह सुनेहा दिंदा और ऑन रिकॉर्ड देखो पेज वधूगा मैनूं पता है चलूगा, पर एक टेंशन हो जाती है, ठीक है हो जाता बंदे ने, जब मैं अज मेरा मन टुटिया भी मैं लाइव चलाया उन्हें दो चीज़ों का फैक्ट सी अपना विशाल जी, दो फैक्ट किमें सीगा, एक तो भाजी मैंने सेवा करनी बड़ी सौखी सी, मेरे को 15-20 घर सामभ भी घर सामभे हुए हैं, चलो मैं दसदा अज तक पर राशन की कदम मैं वीडियो नहीं पाई, पर कभी एक बार राशन दे के वीडियो पा के ऐ नहीं भी जिदा जिदा हैगा एक बार उन्होंने घर गए हैं हामी भरी है भी अज तो बाद थोड़े को आऊगा, कोई बंदे का फालतू गेड़ा नहीं, फोन आ गया लिस्ट चक लो उतो चक लो। तुम्हें पता हनी फिर मैं भी दशवंत कटदा वा, मैं गुप्त सेवा करता वा, पता क्यों? अगर सेवा करके की परिवार की सोचेगा कि सानू सोशल मीडिया से वायरल करता तो साड़ी इज्जत तार तार करती, साडे गुरु ने की सिखाया सीगा पता ना लगे, पर साडे गुरु ने सिखाया सी पता ना लगे किरत करो, लेकिन जिवें ना भाजी साडा लैवल इदा होना जिवें हुण आपां इक पहलां तुहाडे वांगू मैं दसवंत च यकीन रखदा सी मैं कढ दिंदा ही भरे हो जांदे, पर लोकां ने साडे ते इन्ना क फेथ कीता, विशाल चाहुंदा मैं हनी दे थ्रू 1,000 रुपए की सेवा करनी चाहना, विशाल मेरे तो बड़ी दूर बैठा मैं अज भी मैंने बंदे 5,000 रुपए दे के गए ने, 2,000 दे जुत्तियां लै गए ने, 5,000 रुपए दे के गए ने, मैं फोटो भी पाई है उन्हां नूं किवें उहदे ऐ भी साडे कोल केस बहुत ज्यादा ने, ठीक है मैं गुरु साहब नूं हाजर राजन मां माई नूं हाजर राजन मन के कहना भी मैं सच्ची पैसे इकट्ठे करना नहीं चाहुंदा, घरे भी नहीं करना चाहुंदा, मेरे स्टाफ से 10 तो 12 बंदे ने उन्हां नूं पता भी कभी 5 कभी 4 बई जे मेरी जेब च हुंदे ने मैं तान देण जोगा ना, कल मैं 200 रुपए मैं कभी शर्म नहीं करता, मैनूं पता इंटरव्यू तो बाद मेरे सहुरिआं ने मेरे घरदे कहणगे तू पागला इदां बोलियां, उह कहिंदे चंगा बोल, नहीं जिहड़ी चीज़ आपां हंडाई है अज बई मैं सोना पाण लई लोक कहिंदे तू सोना पा के सेवा करना, बई जी मैं कमाया मैं दुकाना बहर खड़ के 100-100 रुपया मंगया भाजी, मैं दसदा लोग आ नहीं देखते कि बंदे ने सोने चैन पाई है उहदे पिछे उहने किन्नी क मेहनत की होगी, अज ब्रांडेड शूज पाए ने उहदे पिछे किन्नी मेहनत की होगी, 2-4 बंदिया ने मैनू इदा कहा सीगा दुकान दे बहर खड़े नू जा यार तुहाडा कम ही यही आ, अज जद अखबारों फोटो लगदिया ने, अज जद विशाल लुधियाने लाई वाला मेरे नाल खड़दा ना आके, अज जद बाकी पत्रकार मेरी दुकान ते आउंदे ने, कोई अज हुण घुम्मन ब्रदर्स ने बिना कहे वीडियो बना के मैनू भेजी आ भी तू पा तू सानू दस की करना है ना, इदा बई किन्ना कॉन्फिडेंस हुंदा भी एक एड्डे वड्डे लैवल का बंदा वीडियो मेरे लिए बना रहा है ना, वह बंदे लिखते हैं प्राउड टू बी हनी सिटी, वह लिखते हैं ऐ अंदरों आ वाइब्स आउंदियां ने, मेरे नाल दे मेरे आले दुआले करोड़ों रुपया घर होगा पर मैं 2-4 लाख जी महाराज की इन्नी कृपा इन्ना क स्वाद आता, हूँ थोड़े सामने दो बंदे फोटो करा के गए हैं बई जी इतने जैगुआर भी खड़ी होवे ना उहदे नाल भी फोटो ना करा, एक अनफिट बंदे नू देख के एक अपना बन लगता, एक पता की होंगे है नी सब नो वड्डी गल की होंगी नीवीर एक वे ऑफ टॉक जो होंगे ना बंदे की बोलबाली तो बंदे की पहचान तो बंजे ने पंजाब की विरासत लिए की किया है कि बंदे की कभी नैगेटिव इंटरव्यू नहीं आई, हाँ। बंदे ने हमेशा पंजाब के वह मुद्दे ठोक के करनी है, जे हुण विक्की नूं स्वाद सी ना जवाब देण दा रजमा जवाब दिता तू ऐ एक थापड़ थापड़ के कहना 6.5 फुट कद है टक्कर ले मेरे साल, उस साल तेरा कुछ भी नहीं लभना जे हो गया ना पंजाबी सॉरी इन कर है जे दिमाग फिर गया ना जिस हिसाब ना आप गल करते हैं आप ऑन ऑफ रिकॉर्ड कैमरा कुछ भी नहीं छड़ना उत्ते कद काट मैटर ही नहीं करते उत्ते जमीर मैटर कर दें, तैनू 100 किलोमीटर का चैलेंज लाया जी तेरिया लत्तां भार नहीं झलियां तेरा 2 घंटे बाद वीडियो आ गई, इतने एक मैं तुहानू केस दसना चाहना भी बंदा किदा किमें महाराज उहदे नाल खड़दे कोई 10,000 का किसी ने फाइनांस कराया होना ठीक है, वो परले पासे बड़ी तगड़ी पार्टी सी बड़ी तगड़ी बंदा जेब च सलवास लई फिरदा सी इहनू पता सी कोई वीडियो जे असीं वीडियो पा दिंदे ना इन्ना क कलेश पै जाणा सी बहुत, कई वीडियो साडे कोल करियां पईआं सी पांदे नहीं बाद च सोचीदा भी हिंदू सिख मुद्दा बन जाणा क्यों आपां भड़काउणा, उहनां दा हल हो गया ना अगले नूं डराउणा सी डराता डराया किस लैवल ते 10,000 रुपए लैणा सी उहदा घरे सारा कुछ खराब हो गया पैसे देण च असमर्थ सीगा ठीक है, वह बंदे चैलेंज कर लेंगे तेरी रेहड़ी चक देंगे ऐ कर देंगे कर देंगे वो साढ़े को सलवास लिया उन्हें काउंटर से धरती वीडियो पई है मेरे को भी मैं ऐ खा लाँगा उदा कर लाँगा उदा कर लाँगा, मैं नहीं 5-7-10,000 रुपए सीगा तो आप काम भी दोबारा शुरू कराता और उन्होंने फोन करके कहा
ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਐਡੀ ਤਕੜੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਬਾਈ ਜੀ ਅਗਲੇ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਫਾਇਨਾਂਸ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਦਬਿਆ ਦੁਬਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਮੈਂ ਫੋਨ ਮਾਰਿਆ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ ਪੈਸੇ ਦਵਾਊਂਗਾ ਪਰ 100-100 ਰੁਪਏ ਕਰਕੇ ਦਵਾਊਂਗਾ 160 ਰੁਪਏ ਆ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਮੈਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਛੱਡੋ ਇਹਨੂੰ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਹਦੇ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਜਾਨੂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੁਰ ਪਏ ਉੱਥੋਂ ਜਾਨੂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ 10,000 ਫਾਈਨੈਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਪਵਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਪੋਇਆ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਕਿਸ਼ਤ ਆਪ ਕੱਢਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਲਾਤਾ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੱਛੀ ਖਾਊਂਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਗਾਓ ਇੱਕ ਕੇਸ ਲਵਾ ਦਿਓ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਬਾਈ 40 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਨਿਮ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਵਾਂ ਨਾ 40 ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਬਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਪੂਰਾ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਕਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਦੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਕਿਆ ਮੈਂ ਇਸੇ ਜਾਣਤਾ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਕਿਆ ਇਹ ਕਿਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਉਹ ਐਂ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਭੜਕ ਗਏ ਤਾਂ ਭੱਜਿਆ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭੜਕ ਗਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਔਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਈਏ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਓ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਹਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਹੁਣ ਸੋਚਣਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਬੜੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਜਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਾਰਾ ਹੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਕੀ ਉਪਯੋਗ ਘਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ ਆ ਵਧੀਆ ਹਿਸਾਬ ਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਭਾਅ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਫੇਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਬਾਈ ਜਦ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 2020-21 'ਚ ਨਾਲ ਦੇ ਭਰਾ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਕਰਨ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹਨੀ ਤੇਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਬਾਈ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪਰ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ੁਰਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਲਾਏ ਆ ਨਾਲੋਂ ਪਾਪਾ ਲਾਏ ਨੇ ਕਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਿਕਲਿਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਦੇ ਲੈਂਦਾ ਬਸ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਿੰਮ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਹਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਪੂਰਾ ਘੈਂਟ ਅਵੇ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਮੈਸੇਂਜਰ 'ਚ ਸਾਰੀ ਚੈਟ ਪਈ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿੰਮ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਬੇਵਕੂਫ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾ ਲਾਇਆ ਫਿਰ ਹਾਰ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੇਠੀ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇ ਆਫ ਟਾਕ ਹੋਰ ਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਐਂ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਆਪੇ ਗਲੋਆਂ ਦਾ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਨਾਲ ਬਾਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਈ ਚਲੋ 20 ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਕੌਣ ਹੌਂਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਤੇ ਅਤੇ ਭੈੜੇ ਅੰਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਹਨੀ ਬਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸੰਤਾਪ ਝੇਲ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੌਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੋਟੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਂਗਾ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੰਨੀ ਕਹੀ ਦੋਨੇ ਭਾਈ ਵੀਡੀਓ ਕਰਕੇ ਲੰਘੇ ਗੋਪੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਲੰਘੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਸਲਾਹ ਕਰੀ ਬਾਈ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਂਗਾ ਜੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਵੀ ਦਰਾਹੇ 'ਚ ਪੱਕਾ ਸਿੰਧੂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ ਸੀਗੀ ਵੀਡੀਓ ਬਸ ਐਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੈਪਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਓਏ ਇੱਕ ਆਪਸੀ
जय माता दी जो मार अच्छा जो अपने गुरुद्वारे आते हैं मैं यार किसके खिलाफ नहीं गल्लां सुननी औखियां ने है ना मैं उन्होंने फिर जिन्हें मैंने कहा ना मेरे सगियां चों ही सीगा उन्होंने मैं फिर दुख निवारण साहब गया अपने सहुरियां चों ही आते हैं मैं उत्थे जाके वीडियो कर लावां क्या की हो गया पड़किया हुआ सी मैं पुठे जवाब दिते उन्होंने मैं क्या उत्थे 70% हिंदू बैठे ने कढ़ाई दीए फिर आप बाहर हुंदा हुण भी तुसीं जाओगे दुख निवारण साहब किन्ने परसेंट हिंदू बैठे होणगे पता 70% पता की होंगे हनीवीर एक ना आस होंगी कि पॉजिटिव वाइब्स होंगे जी साढ़े रब न लगिया होंगे वो किसी भी प्रभु के चरणों में लग सकदियाँ सानू रब ने तो नहीं सिखाया ना कि मैं माफ़ करना माफ़ी चाहूँगा कि सानू आ तो नहीं सिखाया कि ये क्रिश्चन है तुम साड़ी चर्च नहीं आना यह मुसलमान है तो इन्हों की मस्जिद च नहीं आना ये सिख ने इन्हों के गुरुद्वारा साहब नहीं आना यह हिंदू ने इन्हों के मंदिरों नहीं आना मैनू रब ने नहीं सिखाया ना रब ने क्या सीगा लेकिन जो थोड़ी सोसायटी थानू डाइवर्ट करूगी तुम उत्ते चलोगे ठीक है मैं क्रिश्चना के विरुद्ध नहीं वीडियो पाई एक मैं वीडियो पाई सी जो बंदे हिला के आ विशाल खड़ा दुनिया की ताकत है जिन्ने का नाम रखना रख लो 10 तोले सोना पा ला के छड़ दाँगा विशाल तुसी सिट के दिखा दो मतलब जिम्मे करते ठीक करके दिखा दो ऐदा नहीं होंगे मैं वो चीज़ चर्च के खिलाफ नहीं मैं थले भी लिखा सी मैनू जेडे चर्च बुलाऊंगे मैं मत्था टेकूँगा आके सारे के सामने जितने मर्जी पर जितया पखंड जितया गरीब भाजी की सिस्टम आ इतने पंडाल लगता हज़ारा बंदे आते हैं कोई 100 मारदा कोई 50 मारदा कलैक्शन पता कितने जाती है सोच भी नहीं सकते आप कलैक्शन जिमें उस वाला टोकन सिस्टम नहीं भाजी और लाटरी वाला सिस्टम चलता करया मैं भी होया हाँ मैं अंकुर नाम लैके गल करदा तुसी अपना यशु जी ना जोड़न की गल करो तुसी भगती की गल करो असी नाल बैठे हाँ असी भी करांगे सानू दस दिओ जे किसे पार्ट ना पंजाब दे विच असी मैं भी चाहना मैं एक उपराला जरूर करना चाहना मैं अपने हिंदू सिख ईसाई जैन पारसी बौद्ध सारे एक प्लेटफॉर्म इकट्ठा करके ना ये जो नफरत पैदा करते ना इन्हां खिलाफ एक मुहिम शुरू करना चाहना अज आप रिकॉर्ड इकट्ठे दा बगे होर काम लई होए सीगे आपां एक मैसेज देना चाहुंदे आ जिहड़े साडे आ पॉजिटिव मैसेज नूं समझदे ना जो विशाल वीरे ने कहता भी हिंदू सिख ईसाई और जैन बोधी जिहड़े ये चाहते हैं भी कोई भी दूजा जिवें मेरे मैं सिख धर्म चो दिख दे तौर पर सिख धर्म चो हाँ जिहड़ा मैनू उंगल ला रहा भी तू जय श्री राम किवें कहना होए तू पिछे खड़ा पिछे शिव जी की मूर्ति होए तू उन्हां नूं प्रमोट ओहे जे बंदे नूं आपां ठोकिया करिए एक सांझा मंच बनाइए ठीक है उस च कोई वाई प्रधान ना होवे कोई कुछ ना होवे उहदे बराबर आपां वैलफेयर चलाइए बिल्कुल भी पता लगता 5 रिलीजन के बंदे इकट्ठे हुए ने आप 10-10 बंद की एंट्री करिए उन्होंने रजिस्टर्ड कराइए लुधियाने जिले की गल करते हैं आप क्योंकि आप सारे हो सकता उस बाद सारे कर ना कर चैन बनावा और किसी का घर पवाता देखो सारे वधिया बंदे होंगे आप 2-2 हज़ार रुपये पा के किसी का लेंटर है उत्तर सारे की हामी भरूगी कोई यही भी हनी दे एरिए कोई यही विशाल दे एरिए जिते थोड़ा लगे एक एक करके किसी तो पहल तो शुरू करा ना उतो बहुत लुगन लावे धर्म वाला मैं कहना दुनिया की एग्जाम्पल है ऐ लाइव होकर दिखावे आ देख असी नवा चिन्ह बनाया जो पंजा का इकट्ठा करता है और असी गुरु महाराज राम जी शिव जी सारे साड़ी ये मनोकामना पूरा करे पहले ना मैं बड़ा जहा छोटे होंगे ना बई देखो सुनया हों बड़ा दबदो सी शिव जी है राम जी इदा मैं करता हूँ पर नहीं अज जिनी शोक के मैं गुरु नानक देव जी का नाम लेंदा ना उन्ना ही शिव जी का लैंना और मैं किसी के थले नहीं लग्या होया मैं दिलों कहना दिलों मैं तुम्हें पहला भी यह गल कहता जी मार्केट से मैं बैठा उत्तर 90% हिंदू ने और अज तक गुरु महाराज की कृपा अज तक कदे फील ही नहीं होया इन्ने रोब ना रही जेड़े कि बंदे एक अपनी पग ला के ये गल थोड़ू मैं दसदा तुम इतने खड़े हो आप हाथों पाई हो गए बई तेरे तो पग बनी नहीं हुई मैं यदा पंगा ना ला मैं जा तो फिर अपने रहत मर्याद अनुसार ला के तेना पंगा लाव यार लाने ले लूगी फिर उन्होंने धार्मिक वो अपने 95 वो फिर मूसे वाला सही हो गया ना हीगा भी सच तो बोलेगा तो 295 लगू फिर लगती है बस आप ये गल कहनी चाहते हैं भी आप कट्ठे होइए आपू कोई लड़ाण वाला ना जमे तो जे किसी के पिछे लगना थोमस वर्गे मैं कहना इन्हों के बंद कोई अगे चक लो सानू 10 काम गिना दो असी आप प्रधान बना देंगे और यूनिटी दे ठीक है भी असी यह कहे भी आह बंदा लोट आ ये लग जाए सानू धर्म नाल कोई प्रॉब्लम नहीं सानू प्रॉब्लम हैगी है जेड़े आ ड्रामेबाजी करते चाहे वह साढ़े चा हूँ श्रोमणी कमेटी ने किन्ना वधिया करिया ना वो जहाज वाला काम बंद कराया वो असी एप्रीशिएट करते हैं ठीक है भी इदा के सारे वे वे बंद चाहिए एक प्लेटफॉर्म से आप कट्ठे होइए जेड़ा भी किसी भी समाज के विरुद्ध गल करता नजायज गल करता जां दो धर्मां लड़ाउण वाली गल करता मैं तुहानूं वीडियो दूंगा मैं बार बार वो देखदा हुंदा वी किन्नी महाराज ने अपनी कृपा रख ली लेकिन मैं ऑन कैमरा गल करन लगा कि पत्रकार होने के नाते तो पहले तौर पर इंसान होने नाते मैं हनीवीर तुहाडे नाल जुड़ गया हिंदू सिख
जो नौ माह का रिश्ता से अज बरकरार करांगे ईसाई जैन पारसी बौद्ध वह भी साढ़े नाल जुड़न क्योंकि असी असी एक ना असी कोई भी साढ़े नाल जुड़ना चाहिए सॉरी थोनू मैं रोकिया विच मेरा भरा हिंदू कम्यूनिटी नाल बिलोंग करदा मैं सिख नाल करदा भाभी जी उन्हें साढ़े दस दे भी ईसाई उन्हां नाल करदे है ना मुस्लिम सॉरी तो ईसाई चो भी जिहड़ा भी साढ़े नाल कर एक आप कुछ भी लगे जिन्ने मर्जी पैसे लगना आपां नूं रजिस्टर्ड कराइए ठीक है उहदे च उहे जे बंदे इनवॉल्व करिए जिहड़े दिलों जुड़े होण भी आपां इकट्ठे रहिए और आपां उह टाइम ते उह खड़े हो जिन्हां दी लत्तां बाहर चलदियां कल नूं पंगे मुट्ठी बंद उह लोक खड़न भी जिहड़ा कल नूं विरोध करदा चाहे उह लख दा होवे चाहे उह कख दा होवे मैं उहदे धरने बाहर जाके बह जाणा फिर ना क्यों है नहीं इदा नहीं इदा नहीं मैं जिहड़ा कहे चाहे वह जिड्डा मर्जी बई जे उहदे मैं एक गल कहना ना विशाल जे मेरा विशाल उत्थों नुकसान ले गया ना तो वह विशाल तो ही होना तो डर के कहते कट्टनी है तो आप सच ही कट्टनी है कोई तोड़न वाले बड़े मिले होने अज ऑन रिकॉर्ड कोई पहली बार कैमरे पर मिले होने भी असी सच्ची जोड़ना चाहते हैं जोड़ के असी सारे मंदिर बहुत बन गए गुरुद्वारे बहुत बन गए है ना बन गए ना सही गल है चर्च बहुत बन गए पर आप किसी का घर बना के वेद पर लोगो जो लाया होगा ना हाली वर्ल्ड च बई एग्जाम्पल होगी भी हाँ बिल्कुल ये मेरा हनी सेठी सी बहुत प्यारा मेरा एक दोस्त है तो अज नू एक प्यारा रिश्ता जोड़न लगा वा हिंदू सिख का हिंदू सिख ईसाई जैन पारसी बौद्ध असी पंजो भाई हाँ तो असी वो प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है हनी सेठी ना गल कर सकते हो मेरे ना गल कर सकते हो हनी सेठी का नंबर भी तुम्हें मैं दस रहा वा नंबर मेरे नाल कंटैक्ट कर लियो 97971-7694-94-7000-5096-8096-0050 इन्हां ते तुसी गल कर सकते हो वट्सअप मैसेज छड़ दिओ आपां जिहड़े भी धर्म नूं प्यार करदे इंसानियत नूं प्यार करदे आ आपां इह आउंदे 5-4 महीने दे विच लोगो बना के लाउणा उहनां दी हिक ते लाउणा जिहड़े इन्नी कतीली छड्ड के ना साले आप परे हो जांदे ने किसे हुण तुसी हरियाणा च उत्थे की कुछ होया बई यार अच्छा आम बंदियां दा की कसूर सी जिहड़ा बेचारा घरों रुजगार लंघदा है उहने मसां मकान बनाया सारा कुछ रुल गया इह चीज़ तां खतम करनी है नफरत खतम करती ना जिस दिन असीं उहनूं कहिंदे ने जज्बा जे अज आपां ऑन कैमरा बाबा जी विकल्प लै लिया ना भी आह विशाल आपां करांगे है ना सॉरी मैं है ना हाँ आपां विकल्प लै लिया भी साडे एरिए च जे कोई उठे भी यार इदा 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 कट्टड़वादा करे चाहे वह मेरे वाला ही होवे मेरे वाला इंदा सेंस भी सिख वाला ही होवे मैं उहनूं शरेआम समझाऊंगा ऑन रिकॉर्ड भाई जी आह बदतमीजी कोई गल है बह के कर लो ये धर्म वाली अग ना लो बिल्कुल मैं माणयोग डी जी पी साहब नूं भी कहूँगा माणयोग पुलिस कमिश्नर लुधियाना साहब नूं भी कहूँगा मुख्यमंत्री पंजाब नूं भी कहूँगा असी एक पहल शुरू करन लगे हाँ मुख्यमंत्री साहब कि पंजाब दे विचों नफरत पैदा करन वाले लोगों का सफाया करन दी एक सोची है कि पंजाब की विरासत जिहड़ी है पंजाब बड़ा काला दौर देखिया पंजाब ने ते पंजाब दे विच हुण काला दौर ही देखना साथ दवो हुम हमा के तुसी आवो सूरमे ओ योधे ओ भरा साडे नाल जुड़न जिहड़े चाहुंदे असीं इकट्ठे रहीए यार दो चार जणे दी की जुड़त अपनी फौज मूहरे अगला खड़ जूगा मैं तुहाडे नाल बई जी खड़ा मैं शरीरिक तौर पर मैं कहना मैं फिट नहीं पर मैं मैंटली इन्ना इस टाइम फिट है ना ठीक है ना भाजी मैंटली इन्ना फिट है ना मैं दलीलों से सिट लूँगा उन्होंने भी भाई यह जी चौधर अपने घरें चला जी तेरी चौधर के नाल दस घर फुक जाने है ना अभी फुकने नहीं असी घर बना के किसी का प्रोजैक्ट बना के उसे लोगो लाना जिमें अगले ने लाया होंगे और साझा लोगो पहली बार होगा और सारिया स्टेटा CM साहब MLA साहब साढ़े सारिया स्टेटा देखणगियां भी इन्होंने नवा इनिशिएटिव शुरू किया उस कोई पार्टी भाजी नहीं कोई पार्टी वाला बंदा नहीं जिदी सरकार जिदे को पावर है वह साडा अड़ी क्यों उन्हें काम करा सा सही गल है मान साहब अपील करांगे कि असी जल्द प्लेटफॉर्म शुरू भी करन लगे हां ते दोबारा मैं दस देना 9779158769-9699-0050-9499-0071-0050 ये तुसी जिहड़ी गल भी रिकॉर्डिंग गल करना चाहुंदे मेरा सो मेरे भी पेज नूं फॉलो कर लिओ थले लिंक पा देंगे आपां फॉलो करन दा मतलब एक मैनूं रुजगार भी मिलना वीरे उत्थों ठीक है मेरे नाल 13-14 घर भी चलते हैं दूजा मैनू उतों इनकम आउंदा मैनू सेवा करनी थोड़ी जिही सौखी हो जाती है भी मैं इन्ने एक थापड़ थापड़ के अगलियां दे घरे क्या होया भाई जी मुड़ के थोड़ा राशन साडे तों आऊगा और घरे गेड़े नहीं मारे कदे भी उह चलदा रहे बिल्कुल मैं पंजाब दी आवाम की पूरे भारत की आवाम नूं आही कहूँगा बाहर विदेशों बैठे जो मैं प्यार करते जो हनी नूं प्यार करते हैं उन्होंने भी कहूँगा कि हनी का पेज फॉलो करो क्योंकि हनी पंजाब की विरासत नूं बचाने वास्ते लगा तो पंजाब दे विच ओ बेरोजगारी खत्म करन नूं लगा कि उदन विशाल नूं फोन मार के कह दिओ तू फेज खत्म होने तो बाद इंटरव्यू करके आया सी अज अपने घर भरन लगे हो नहीं थार लैनी सी मन च सी महाराज 4x2 ने 4x4 दबाती खुश हैं फोन वधिया रखिया होया कपड़े वधिया पाए ने जिद्दण तुहानूं लगन लग गया भी ये अपना हिसाब तां जोड़दा विशाल नूं कह लिओ जो कुछ मर्जी करा लोड़ ही नहीं भाई इन्नी इज्जत मिलती है
और साढ़े परिवार चो हज़ार बंदा होगा। मैं समझदा सब नालों एक लैवल से जे 500 बंदा होंदा ना 500 तो मैं 499 तो नहीं कोई गिणदा सी। और गुरु महाराज की अज कृपा जे सेठी आ मूहरे आपे गूगल से तुम हनी मारोंगे ना सेठी आप ही निकले आना। ये बहुत फर्क आ। मेरी उम्र 29 साल आ बा महाराज गल्लां लियांदे ने रुजगार चलाई जांदे ने बा पेज नूं फॉलो कर लियो तो वीरे ने जिहड़ी गल कही आ कट्ठे कदे होर गल नूं होई दियां ना बई है ना बई गल्लां समाल ही निकल गया क्योंकि असीं चाहुंदे नहीं कि पंजाब दे विच काला दौर दुबारा ना आवे ते पंजाब दे विच इह जिहड़े लोग बैठे हुए ने इह साडे वड्डे पुराने सत्कारयोग ने शक्ल नहीं दिखा सकदा बई जी। वैसे मैं गल कर रहा कि इन्हां दे विच वी इन्हां दे परिवार वी इन्हां दे बच्चे वी आ सोचण कि हां वी पंजाब दे विच कोई पॉजिटिव चीज़ दिखा रहे जिवें हुण अंकल जी ने है ना अपने नाल ने खड़े ने इन्हां नूं कोई लोड़ होवे साडे तक पहुँच करना ठीक आ। उन्हां दी 10-12 हज़ार सैलरी होगी वह नहीं कर पवा सकते। असीं एक सांझे मोर्चे वाले पवावांगे यूनियां बड़ियां बन गईयां पर धार्मिक वाली पहली बनूगी जिथे बाई दे घर भर लावांगे पंजे चिन्ह इकट्ठे और उन्हां दी छाती पाड़ दे जाणगे जिहड़े साले ऐ चिंडी लांदे बड़ा सौखा काम आ भाजी। एक वीडियो तुहानूं दे दां जे तुसीं एग्जाम्पल दे तौर ते चला लवो ना वो भाजी इदा लग रहा थी भी कि हिंदू सिख लड़न लगे ने सीरीयसली और मैं वीडियो करी बैठा ही लेकिन वो साथ बड़ा मिलेगा लोगों का पॉजिटिव वाइस बड़ी मिलेगी बहुत वाइस मिलेगी। असी ये कि अपने घर या समा कोई पैसे नहीं मंगते असी बस पॉजिटिविटी मंगते हैं भी जेड़े अज तक लड़ाने लिए कट्ठे होंगे सी अज आप जोड़न लिए कट्ठे होइए जे अपने धर्म च भी कमी है वो प्लेटफॉर्म से आप भी उजागर करिए पंजा का दिमाग एको जहा हो भी हाँ यार ये गल गलत है तो गलत है उन्होंने पॉजिटिव वे गलत करिए लोगों का फायदा करिए एग्जाम्पल शुरू करिए भी हाँ ये स्टेट के काला दौर एक बार सीगा दोबारा कभी नहीं आया है। बिल्कुल हनी सेठी साढ़े नाल मौजूद सी ते असीं पंजाब दे विच काला दौर नहीं पंजाब दे विच ओ परिवार जोड़ना चाहते हैं वो लोग जोड़ना चाहते हैं जो पंजों धर्मां दे विच होणगे ते पंजों धर्मां दे विच हो के अपने धर्म दे जो कोई बगावत कर रहा उस कौम दे बंदा बगावत कर रहा तो उसनों समझाने की कोशिश की जाऊगी तो पंजाब दे विच अमन शांति बहाल करने की कोशिश की जाऊगी तो अमन शांति होर बहाल करांगे तो भैड़े अंसर जिहड़े हुंदे जिहड़े कौमां नूं लड़ाउण की कोशिश करते हैं उन्हां तों ग्रेज करना शुरू करांगे तो असीं साफ तौर पर मीडिया नूं भी कहांगे जिहड़े धर्मां लड़ाउंदे ने हर त्यौहार भी इकट्ठा जरूर बनावांगे हर त्यौहार ते एक अलग बेंच लग्या करूगा जिते साडा वधिया लोगो लग्या करूगा बराबर बराबर वाला सारे जे शिवरात्रि है उत्थे गुरु नानक देव जी दा उत्थे जे कोई मुस्लिम भाईचारे दा उत्थे इकट्ठे खड़े होवांगे थले फुल एग्जाम्पल देवांगे भी दाले तुसीं तोड़न वाले अहीं जोड़न वाले। बिल्कुल किन्नी सोहनी गल है हुण साथ तुहाडा चाहीदा ते हनी दे पेज नूं भी जरूर फॉलो करो ताकि हनी भी जिहड़ा उस 10 परिवार की मदद करनी दुबारा शुरू कर दे जिहड़े परिवार जिहड़े ने मोहताज सीगे ते उस परिवार जिहड़े ने दुबारा नाल जुड़न ते होर परिवार जुड़न मैं आस करांगा पंजाबियों तों कि साडू सपोर्ट भी करनगे ते साडे लई मंच जो खड़ा करना उहदे लई वध चढ़ के हिस्सा लैणगे। लुधियाणा कैमरामैन धर्मे नाल मैं विशाल कपूर लुधियाणा लाइव।